Welcome to my channel Knowledge Field 2769, how to crack RSMSSB LDC exam in first attempt without coaching. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको किस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए जो आपकी हेल्प करे LDC एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करने के लिए। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में जो कंटेंट रहने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न की, फिर सिलेबस की, वेटेज ऑफ टॉपिक्स, फिर एग्ज़ाम डेट जो कि डिक्लेयर हो चुकी है, फिर स्नैप ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बेस्ड है RPSC LDC एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इसे फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रहा है। जो भी इसमें वेटेज दिया गया है टॉपिक के बारे में, वो RPSC LDC एग्ज़ाम को देख के उनके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं RPSC द्वारा, उनके बेस पे डिसाइड किया गया है। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपके दो पेपर लगेंगे, फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, ठीक है। जो पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का, जो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है वो 3 घंटे हैं। सेकेंड पेपर जो होगा आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहने वाला है, जो कि टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, और जो इसका वेटेज है वो 100 मार्क्स है। पहली बात कर लेता हूँ मैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो एक पेपर का रहेगा वो 100 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। यदि हम पेपर टू की बात करते हैं तो हिंदी के 75 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स और देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग। अब एग्ज़ाम पैटर्न फर्स्ट में जो रहने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, कि जो परीक्षा का स्तर रहने वाला है वो माध्यमिक रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों पेपर में आपको अलग अलग मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी है। इसके उपरांत जो रिक्त पद रहते हैं, रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप यदि दोनों पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पेपर को इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि दोनों पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आए ही आए। यदि आपके किसी भी एक पेपर में 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और 40% लाने के बावजूद भी आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि रिक्त पदों के 3 गुनाओं को ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फेज़ टू जो होने वाला है पेपर का, एग्ज़ाम पेपर, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट की बात करें। जो इसमें जो वेटेज रखा गया है, एक तो गति परीक्षण है और एक दक्षता परीक्षण है। उसमें जो गति परीक्षण है वो 10 मिनट का होगा और दक्षता भी 10 मिनट का होगा। 25 अंक का 25 अंक का, ऐसे ही आप हिंदी टाइपिंग का देंगे, ऐसे ही इंग्लिश टाइपिंग का देंगे। और टोटल जो मार्क्स रहने वाला है इस पेपर का, फेज टू पेपर का, वो रहने वाला है 100 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं सिलेबस में। जनरल नॉलेज में पहला तो मेन जो रहने वाला है वो करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जिसमें इंडिया की करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे। सेकेंड जोग्राफी की बात करेंगे, इंडिया की जोग्राफी, उसके बाद राजस्थान की जोग्राफी और राजस्थान की पॉपुलेशन, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास के मुद्दे जो रहे हैं, ठीक है, करंट इश्यूज जो रहे हैं राजस्थान के, उस तरह के टॉपिक रहने वाले हैं। बाद में मैंने इनका वेटेज के बारे में भी डिस्कशन किया है कि कितना वेटेज रहने वाला है स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स का। फोर्थ टॉपिक जो दे रखा है वो राजस्थान के इतिहास एंड संस्कृति, मतलब कि राजनीतिक जो अप्रोच रही है प्रीवियसली राजस्थान की, उसके बारे में है। लोक संगीत और लोक नृत्य किस तरह का है, किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, मेले त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण किस तरह के पहने जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लोग देवता और देवियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का औद्योगिक विकास, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पे, कौन कौन से माल की उपलब्धता है यहाँ पे, कौन कौन से खनिज यहाँ मिलते हैं, किस तरह के उद्योग हैं, बड़े छोटे जो भी इस तरह के उद्योग हैं, और ऊर्जा से संबंधित स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं कि एवरीडे साइंस में जो आपका है, जो आपका जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंज जो होने वाला है, ठीक है, ऑक्सीडेशन से रिगार्डिंग पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन रिएक्शंस कैसी होती हैं, फिर कार्बन एंड और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जा सकता है, पॉलीमर के बारे में पूछा गया है, सोप्स के बारे में पूछा गया है,
एनवायरनमेंट के टॉपिक पूछे गए हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स दे रखे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इकोसिस्टम का, पेटेंट सिस्टम क्या होता है, फिर इसमें कुछ टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या होते हैं, रदरफोर्ड का नियम दे रखा है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो सिलेबस रहने वाला है आपका जनरल साइंस का। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन भी रिगार्डिंग रहने वाले हैं, कॉजेज एंड केयर, ह्यूमन डिजीज के जो कॉजेज है वो केयर हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो रहने वाला है, पहला है जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो वैदिक विधि से पूछने वाले हैं, जिसमें हमसे स्क्वायर, क्यूब और जो भी रहने वाला है वो 6 अंक तक की संख्याओं का रहने वाला है। फिर गुणनखंड पूछने वाले हैं, समीकरण पूछने वाले हैं, द्विघात समीकरण पूछने वाले हैं, फिर आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड स्ट्रेंथ, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी हैं कुछ, जिसमें आपसे एंगल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये रहा है आपका जनरल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पेपर टू की, जनरल हिंदी और इंग्लिश के में। तो हिंदी में आपसे सिंधी, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह पूछने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची पूछने वाले हैं, विलोम शब्द पूछने वाले हैं, वाक्य की शुद्धि अशुद्धि, ठीक है, क्रिया सकर्म अकर्म, ठीक है, वाक्यांश पूछने वाले, मुहावरे लोकोक्ति पूछने वाले, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाने वाले हैं कुछ हिंदी वर्ड्स का, कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान के बारे में कुछ पूछने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका सामान्य हिंदी में रहने वाला बेटे। अब बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश, जिसमें आपसे टेंस, एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस, ठीक है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, वन सब्स्टिट्यूशंस हैं, टेक्निकल टर्म्स पूछने वाले हैं जिनका आपको हिंदी कन्वर्जन करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज क्वेश्चन पूछने वाले हैं, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल लेटर जो सर्कुलेशंस होते हैं, नोटिस होते हैं, टेंडर होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, हम कर लिए अब तक सिलेबस की बात, अब बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और राजस्थान रहने वाला है, राजस्थान की जो एग्रीकल्चर, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, उसका जो वेटेज रहने वाला है पेपर में वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास और संस्कृति का, इसका जो वेटेज रहने वाला है वो 10 मार्क्स रहने वाला है। राजस्थान का औद्योगिक विकास जो का वेटेज रहने वाला है वो 10 मार्क्स है। ये जो भी मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ ये राजस्थान के जो LDC एग्ज़ाम RPSC द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उसके बेस पे ये मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। फिर बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ टॉपिक, एवरीडे साइंस मतलब जनरल साइंस का जो वेटेज रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो बेसिक फिजिकल केमिकल चेंजेस के ऊपर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन रहते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के जो मॉलिकुलर्स हैं, कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स हैं, इस तरह के क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला है। टोटल जो वेटेज रहने वाला है एवरीडे साइंस का वो 20 मार्क्स रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का जो वेटेज रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहना है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि कहा जाए तो प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, स्क्वायर है, क्यूब है, गुणनखंड से, इस तरह के क्वेश्चन तो कम से कम 7 या 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के। तो टोटल जो मैथमेटिक्स का वेटेज रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ टॉपिक जनरल हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और जो वेटेज रहने वाला है इस पेपर का हिंदी का अलग अलग इंडिविजुअल बात करें तो वो 50 है और इंग्लिश का 50 है। अब इसमें मैंने बाइफिकेट कर रखा है कि कौन सा टॉपिक है कितने मार्क्स तक का पूछा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यालय पत्रों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं 2 से 4 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति और के जो क्वेश्चन रहने वाले 6 to 8 रहने वाले हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स है जिनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है वो 3 to 4 रहने वाले हैं, प्राइवेसी वर्ड जो रहने वाले हैं 2 to 3 मार्क्स के रहने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय 4 से 6 मार्क्स के रहते हैं, संधि समास
और समास विग्रह जो रहने वाले हैं वो भी 4 to 6 मार्क्स तक के रहते हैं, ठीक है। संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 2 to 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं कि किसका कितना वेटेज रहने वाला है और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप कर सकते हैं जनरल हिंदी की। फिर बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ टॉपिक में। वेटेज ऑफ टॉपिक में जनरल इंग्लिश में वही 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो मार्क्स होगा इसका 50 होगा, ठीक है। टेंस 4 नंबर के टेंस रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस जो वेटेज रहता है 4 to 6 रहता है। ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेंटेंसेस का जो वेटेज रहता है वो 2 to 4 रहता है। यूज ऑफ आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट्स प्रिपोजिशन का जो वेटेज रहता है 3 to 6 रहता है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ सैम्पल सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश जो रहने वाला है वो 3 to 4 मार्क्स का रहता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज जो रहता है वो 10 to 12 मैक्सिमम वेटेज रहता है। फिर नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स का 2 to 4 रहता है। आप इस वीडियो को हल्का सा पोज करें और देख लें कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि वेटेज ऑफ मार्क्स बेस ऑन द प्रीवियस पेपर ऑफ RPSC LDC एग्ज़ाम, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इस पेपर को फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रहा है। अब एग्ज़ाम डेट, दोस्तों अब हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई है वो कैंडिडेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दी गई है। A to G तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका डेट 12 अगस्त 2018 है, जो कि 2 इनिंग में कंडक्ट होगा। S to M की 19 अगस्त को, N to R की 9 सितंबर को और S to Z की 16 सितंबर को कंडक्ट होगा। पेपर 2 इनिंग में होगा जैसा कि इस टाइम टेबल में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि स्नैप ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जिस तरह का मैंने जो वेटेज आपको बताया वो किस बेस पे बताया, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पेपरों का स्नैप लिया है जो कि फ्रेशर एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं, जो कि पहली बार LDC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको इस चीज़ से अंदाज़ा लग पाएगा कि हमें किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ हमारा फोकस रहना चाहिए, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए। जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है कि राजस्थान की के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन सा वाद्य यंत्र इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन में, कौन से त्यौहार में किस तरह का नृत्य किया जाता है, किस ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन रहे थे, में से किस टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व किस तरह का है, न्यूनतम घनत्व किस ज़िले का है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्नैप और प्रीवियस ईयर पेपर टाइपिंग टेस्ट के। जो पेपर RPSC द्वारा कंडक्ट किए गए थे हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 400 वर्ड्स दिए गए थे, इसका जो वेटेज था वो 50 मार्क्स था। टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स था, 10 मिनट में आपकी का जो पेपर दिया है वो उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट की में जो स्पीड रहने वाली वो होगा और 10 मिनट की जो आपकी है दक्षता का रहने वाला है। दोनों को 25-25 मार्क्स का डिवीजन दिया गया था, टोटल 50 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग रहने वाला है। सिमिलरली मैंने आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग जो 5500 वर्ड्स का रखा गया था वो भी इसमें दे रखा है, वो भी 100 मार्क्स का हुआ था। सेम आपकी एक तो स्पीड चेक की जाती है और सेकंड दक्षता चेक की जाती है पेपर के अंदर। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और चेक करने हैं कि किस तरह का वेटेज रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप RPSC की ऑफिशियल साइट पर जाके इस पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो किस कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।